ये व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ नीचे बेसमेंट का। हाँ जी गाइस, आज की वीडियो मेरे लिए तो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये इस हवेली की वीडियो है वो अंदरून शहर में खलीफा बेकरी के बिल्कुल सामने गली में मौजूद है और ये सदियों पुरानी तारीख बताती है। व्यूअर्स, तंग पतली जगह से होते हुए जब मैं इधर बरामदे में गया, इधर एक बहुत बड़ा बरामदा था। कमरे से कमरे में बल खाते हम यह बरामदे में पहुंचे। यह आप देख सकते हैं क्या इसका हाल हो चुका है। वक्त की सितम जरीफी ने इसको बद से बदतर कर दिया है। गाइस, इस हवेली की खास बात यह है कि इसमें एक तहखाना भी मौजूद है, तो आइए चलते हैं इस तहखाने में और आपको इसका भी विजिट करवाते हैं। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे बेसमेंट का। हाँ जी, व्यूअर्स, आप जानते हैं कि उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद रोशनी के लिए चिराग का इस्तेमाल किया जाता था। ये छोटी ईंट से बनाई गई दीवारें और ये घूमती हुई सीढ़ियों से बल खाते हुए हम तहखाने में पहुंचे। ये उस दौर के रोशनदान बने हुए हैं। अच्छा, ये तीन रोशनदान बने हुए हैं, ये जो जहां हम ऊपर एंट्रो दे रहे थे। हाँ। ये उधर का, ये दोनों तीनों रोशनदान है। ये हवेली, इसमें जब गर्मियों का मौसम आता है ना, तो गर्मियों के मौसम में इस हवेली इधर बैठ के आपको बहुत चिल्ड महसूस होता है। यानी कि उन्होंने इस हिसाब से बनाई है कि अगर पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं है, तो आपको गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी। व्यूअर्स, ये सियाहों के लिए बहुत ही उम्दा जगह है। जब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बाहर से लोग आते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर विजिट करते हैं। लाहौर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनमें से एक ये हवेली भी है। व्यूअर्स, मेरी यही कोशिश है, मेरा यही मकसद है कि लाहौर में छुपी चीज़ों को, बल्कि पाकिस्तान में छुपी चीज़ों को उजागर किया जाए, ताकि बाहर की दुनिया को पाकिस्तान के बारे में पता चले। अभी तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ तारीखी मुकामात में है, आगे जाके मैं बहुत सी अपनी वीडियोज़ में आपको पार्क, लाहौर के पार्क, लाहौर की बहुत सी चीज़ें जिसमें खाने और बहुत सी चीज़ें आएंगी वो आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मकसद पाए तक मील तक पहुंचे। तो व्यूअर्स, चलाए ऊपर चलते हैं। अब बेसमेंट का तो हमने आपको नज़ारा दिखा दिया। ये हम आए हैं यहाँ पर, अंकल बता रहे हैं कि कुआं हुआ करता था। जंगल यहाँ कुआं हुआ करता था? ये कुआं हुआ करता था इधर। और ये पानी का क्या सिस्टम था? पानी का ये सिस्टम था, ये दीवार अभी हुई है, ये दीवार नहीं थी। इधर पानी निकालने का सिस्टम था कि वो पानी निकाल के परली साइड से बाहर निकाल लेते। बोको के जरिए? हाँ, बोको के जरिए। ठीक है, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके व्यूअर्स, तो ये देखे ये ऊपर से भी कितना यानी कि कदीमी लगता है। आप इसके इंटो से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी कदीम हवेली है। तो जी अंकल, ये हम इधर कुएं वाले कमरे से तो बाहर आ गए, और ये वाला कमरा कौन था? ये कमरा इस हवेली के मुलाजमीन के अंदर था। अच्छा, ठीक है। और ये आए अंदर, आज व्यूअर्स आपको दिखाते हैं हम अंदर जाके भी। ये कमरा जो इस हवेली के मुलाजमीन थे, ये उनके पास था। आजे, आजे। तो ये अंदर आए,
आ जाए। कुएं वाली जगह? हाँ हाँ। तो जी व्यूअर्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कुआं था जो हमने आपको दिखाया, और ये हम कमरे में आया है। एक अंकल बता रहे हैं कि इधर मुलाजमीन जो हवेली के अंदर काम करते थे, बवर्ची कह लो या दूसरे मुलाजमीन जो भी होते हैं वो रहा। तो जी व्यूअर्स, हम आपको कमरे में लेके आए हैं जो कुएं के साथ वाला कमरा था। कुआं बिल्कुल इस दीवार के पिछली तरफ है, और हम घूम के आए हैं। ये हम आए हुए हैं किचन में बवर्ची खाने में। उस दौर के जो मुलाजमीन थे वो इधर आटा वगैरह गूंथते थे, इधर रोटियां बनाते थे, इधर जो भी जरूरियात जिंदगी का सामान होता है वो इधर बावर्ची खाने का वो इधर करते थे। तो आइए बाकी जगहों पे ये बाहर सर्व कर देते थे। तो आइए बाहर चलते हैं और बाहर का भी आपको विजिट करवाते हैं। हमारे पीछे पीछे आ रहे, ये आप देख सकते हैं, ये इंडेन की ये चूने से बनाई गई जो है, उस वक्त चूने का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये कदीमी हवेली है। आप इसके आर्किटेक्चर, इसका डिजाइन, ये जो फन तामीर है इसका, बहुत ही आला किस्म का बनाया गया। तो आइए इस पतली सी जो जगह है, ये आप देख सकते हैं कितनी पतली सी जगह है, इस जगह से हम चलते हैं और आपको बाकी का विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोना लाहौरिया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एक हवेली में लेके आया हूं जो कि बहुत ही कदीमी है, और बहुत से लोगों को इस हवेली के बारे में नहीं पता। तो आज हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, तो आइए इनसे इस हवेली के बारे में मालूम लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप कितनी देर से इस हवेली में रह रहे हैं? बचपन से। बचपन से? हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल। आपके वालिद साहब या करीम? हाँ, वो भी इधर ही पैदा हुए थे, मैं भी इधर ही पैदा हुआ था। तो पैदाइश से लेकर अब तक ये चेहरा हो गया है, बूढ़े हो गए हैं, इधर ही हैं हम, दून शहर के रहने वाले हैं। जब ये हवेली किसने बनाई? ये इलाका है चोटा मुफ्ती बाकर। अच्छा। जो मुफ्ती बाकर साहब थे तकरीबन मेरे ख्याल में वो उनकी हवेली आई है। वो मुफ्ती बाकर साहब कौन थे? वो उदेदारान थे, वो मुसलमान थे, वो यानी कि फतवा देते थे उस वक्त का। मस्जिद तो उनका वजीर खान से क्या ताल्लुक था? उनके उहदेदार थे वो। उहदेदार थे यानी कि वो मस्जिद वजीर, वो तो वजीर खान वो एक वजीर थे ना, मिनिस्टर थे वो, जिसका नाम वजीर खान पड़ गया। ये बाकर उनके उहदेदार थे। अच्छा, उनके मुलाजिम थे।